संजय मंगला गोपाल एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के विशेषज्ञ हैं। संजय का जन्म 1998 में महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में हुआ। उन्होंने VJTI मुंबई से इंजीनियरिंग में शिक्षा प्राप्त की और वहां पढ़ाने लगे। कुछ सालों बाद उन्होंने अमेरिका में डेलावेयर यूनिवर्सिटी से ऊर्जा और पर्यावरण नीति पे PhD हासिल की। 2018 में जब वह रिटायर हुए तो संजय VJTI में एसोसिएट डीन थे। संजय जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय NAPM के सक्रिय सदस्य हैं। वह समता विचार प्रसार संस्था के माध्यम से ठाणे में वंचित समुदायों के युवाओं के साथ काम करते हैं और NAPM की मराठी मासिक पत्रिका के कार्यकारी संपादक भी हैं। तो नमस्कार संजय जी, वेलकम टू अहिंसा कॉन्वर्सेशंस। नमस्कार सरोजिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लाइक विद एवरीवन एल्स, वी विल स्टार्ट बाय हियरिंग योर अर्लीएस्ट मेमोरीज ऑफ ईदर द एक्सपीरियंस और द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस ऑफ अहिंसा। डाउन मेमोरी लेन, ग्रेट। वैसे ये शब्द जो है अहिंसा का, ये पहली बार मैंने सुना जब मैं जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित हुआ, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कॉलेज में था और आपातकाल की घोषणा के बारे में चर्चा चल रही थी गेट के ऊपर। 1974-75 का समय था और मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन मिली थी, तो घर की अपेक्षा थी कि आप सीधा चुपचाप पढ़ाई करो, क्लास अच्छा करो, करियर लो और कहीं पर बड़े हौदे पर लग जाओ। लेकिन मुझे कॉलेज में ये लोकतंत्र और तानाशाही और आपातकाल, ऑल दिस डिस्कशंस, इससे मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी जग गई और उसमें फिर मैं JP का पढ़ा और तब पहली बार मैंने JP का नारा सुना, हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा। और वो पूरा जो अब के जमाने जैसा कोई वीडियो वगैरह तो है ही नहीं, शायद उसकी फिल्म होगी कहीं पर, लेकिन जो पूरा उसका मैंने पटना की मीटिंग का पूरा ब्यौरा बाद में पढ़ा और जिस तरह से लोग JP के पीछे लगे थे और उस दिन पटना में जब बहुत बड़ी रैली हो रही थी तो कहीं पर कुछ हमला हुआ आंदोलन में उस सभा में आने वाले लोगों के ऊपर, और जो मैंने पढ़ा उसके मुताबिक पटना के कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर ने JP को मंच के ऊपर एक नोट भेजी कि JP जी ऐसा हुआ है, कृपया आप कंट्रोल कीजिए। और JP जी ने नारा दिया कि हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा। अब यहाँ से सभा से सब लोग सीधे घर पहुंचेंगे और कोई भी उत्तेजना, कोई भी पीड़ा किसी को या किसी भी तरह की जिसको हम कहते हैं हिंसा या ऐसा कोई नहीं करेगा। और उस दिन शांति से पटना शहर के में जमा हुई भीड़ अपने घर में, गांव में लौटी। तो ये मेरा पहला इस तरह से कंसेप्चुअल, फिलोसॉफिकल एंड प्रैक्टिकल जो है अहिंसा का, उसका परिचय। और फिर इसको लागू करने में आपके, क्योंकि आप एक पूरे युवा संगठन से भी जुड़े हुए थे, जहां तक मुझे याद है आप कुछ राष्ट्र सेवा दल से जुड़े थे, कुछ आपका संपर्क बाद में छात्र युवा संघर्ष वाहिनी से भी था, और यहाँ महाराष्ट्र में उस समय युवा क्रांति दल का बहुत एक एक्साइटमेंट थी, उसकी बड़ी रौनक थी, उसमें बड़ी एनर्जी थी। तो ग्राउंड पे इस विचार को, इस असूल को लागू करने में आपने क्या क्या कठिनाइयां भी देखी और अच्छी बातें क्या देखी, क्योंकि इसको जमीन पे उतारना आसान नहीं होता। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज और जोड़ दूं इस बात को, जमीन पे उतारने से पहले जो आपने कहा वो सही है कि हमने उसी दौरान आपातकाल खत्म हो रही थी, यानी चुनाव की घोषणा हो गई थी
और उस दरमियान हमने ठाणे शहर में जहां हम रहते थे वहां पर सेवा दल का एक स्टडी सर्कल शुरू किया था, और उस स्टडी सर्कल में मैंने जाना शुरू किया। और पहली बार मैंने सोशल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी ऐसे सारे शब्द या विषय पढ़े, क्योंकि तब तक एक टिपिकल साइंस का स्टूडेंट, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट तो वही सब पढ़ाई में था। और वहां स्टडी सर्कल जो बहुत मशहूर पत्रकार प्रकाश बाल उस स्टडी सर्कल को चलाते थे, और हर हफ्ते 35-40 युवा उस समय आके उसमें हिस्सा लेते थे। और प्रकाश बाल की एक खासियत थी, महीने में एक या दो बार आपको तैयारी करके आना है और आपको विषय प्रवेश रखना है युवाओं को, और बाद में उस पर चर्चा। ये हमारे लिए नई चीज थी, और उसमें मुझे लोकतंत्र, समाजवाद, समता, अहिंसा, इन सभी शब्दों का या उन मूल्यों का परिचय अलग अलग माध्यमों से, कहीं किताब पढ़कर, कहीं चर्चा में हिस्सा लेकर, कहीं आपस में चर्चाएं होती थी हमारी चाय पर, उस पर और सफाई उसकी हुई। और मैं अपने बचपन के और अपने टिपिकल जो एक मिडिल क्लास किशोर या युवा का जो मैंने तब तक जिंदगी जी थी उसकी तरफ मैंने देखा, तो मुझे बहुत बुरा लगा, एकदम ऐसा शॉक सा लगा कि मैं कितना घटिया किस्म का इंसान था यार। ये मैं माँ से कैसे बर्ताव करता था, भाइयों से कैसे झगड़ा करता था, पिताजी से कैसे, यानी मैं कॉलेज में जब जाने लगा तो सब बच्चे पॉकेट मनी, कैंटीन, और हमारा घर कोई इतना ये नहीं था। मैं पहला लड़का था घर में जो कॉलेज में मुझे भेजा सका। मेरे सभी बड़े भाई SSC के बाद सीधे नौकरी लग गए थे, और बाद में while earning they achieved their degrees, I was the first in the house to be sent to the college straight after SSC because I was getting good marks and they wanted me to do something good. So तो मुझे इसका कोई एहसास नहीं था कि भाई किस तरह से मुझे कॉलेज पढ़। मैं कहता था मुझे पॉकेट मनी चाहिए, हर दिन मुझे इतना पैसा चाहिए, एंड ये मुझे फर्स्ट क्लास का पास चाहिए थाना से मटनवा जाने के लिए। और मेरी माँ, मेरे पिता मुझे समझाते थे, कभी डांटते नहीं। तो ये मुझे सब एहसास हुआ कि मैं किस तरह का लड़का था, ये सब स्टडी सर्कल से। और आज भी मैं उस स्टडी सर्कल को बहुत महत्व देता हूँ कि मेरी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है बहुत सारे विषयों में, उसकी नींव वहां पर पड़ी। ये मैं नहीं कहूंगा कि पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी वहां आई, लेकिन ये सब विषय जिंदगी जीते समय बहुत अहम है। और बाद में टेक्नोलॉजी में जब मैं काम कर रहा था तो टेक्नोलॉजी का भी अहिंसा से कैसा रिश्ता है, या इन सभी मूल्यों का कैसे रिश्ता है, इसका परिचय मुझे हुआ। तो खैर वो बात, ये इसलिए मैंने कहा कि ये स्टडी सर्कल हैज इनकल्केटेड इनटू मी द कॉन्सेप्ट्स एंड क्लैरिटी एंड नीड फॉर एड्रेसिंग ऑल दिस इश्यूज। फिर हम जाने लगे, बस्तियों में काम करने लगे, और वहां पर पहली बार जो आप पूछ रहे, जमीन पर हम लोग सेवा दल के राजनीति की ज्यादा समझ नहीं थी, ऐसे युवा थे और कुछ सोशल वर्क करना है इतना ही हमारे दिमाग में था। तो हमने एक सफाई कामगारों की बस्ती में जाना शुरू किया, और हमने कहा चलो यहाँ पर पढ़ाई का काम करेंगे, क्योंकि गांधी जी का पढ़ा नई तालीम, फुले जी का पढ़ा, सावित्री बाई और फुले जी ने स्कूल खोला, सब लोग, राजर्षि शाहू महाराज, जितना भी पढ़ा इतिहास में, सब लोग शिक्षा के ऊपर बहुत महत्व देते थे। अंबेडकर साहब ने कहा शिक्षा संगठित हुआ फिर संघर्ष। तो हमने कहा चलो शिक्षा से काम शुरू करें, और थाना कॉलेज के सामने और थाना स्टेशन से बिल्कुल 200-300 मीटर पे वो जो बस्ती थी वहां पर एक भी लड़का स्कूल में नहीं जाता था। ये 1980 की बात है, 40 साल। तो हमें ताज्जुब लगा, वी वेर शॉक, और हमने स्कूल में भेजना शुरू किया। फिर वो टीचर ने कहा ये लड़के नहीं टिकेंगे स्कूल में। फिर हमको एहसास हुआ कि जिस परिस्थिति में वो रहते हैं स्कूल का माहौल उनके लिए अलग है, और स्कूल का वो ये सफाई भंगी बस्ती से आते हैं, स्कूल में उनको ये किया जाता था। फिर हमें समझ में आया, और हमने फिर उनको, फिर ओवर एज 10 साल का लड़का पहली की कक्षा में जाके बैठता था क्योंकि उसने स्कूल देर से ज्वाइन किया, तो वहां उसको हेट्रेट मिलती। तो हमने उनसे बातचीत करना शुरू किया। शाम को कॉलेज से आने के बाद, नौकरी से आने के बाद, हम 6 से 9 रात को बस्ती में जाके बच्चों के साथ बैठते, बैठने के लिए जगह नहीं थी। फिर एक बालवाड़ी थी उसको हमने शुरू किया, वहां पर लाइट नहीं थी बस्ती में, तो हमने मोमबत्ती और लालटेन में वो सब करते थे, मच्छर होते थे, लेकिन युवा और हम फक्र में थे, वो एक धुन में थे, हमको कोई उसकी फक्र। वहां पर ये जब काम हमने शुरू किया तो वहां के जो एस्टैब्लिश लीडरशिप, दलित बस्ती थी,
तो वहां पर अंबेडकराइट्स थे, बौद्ध थे, उत्तर भारत के दलित थे, अलग अलग कांग्रेस वाले थे, अलग। उनको लगा ये कुछ राजनीति यहाँ पर पक रही है। और एक दिन वहां का एक नेता आया और गर्मी में कहा कि चलो आप यहाँ से निकल जाओ, कल दिखेंगे तो सर तोड़ दूंगा। तो वहां पर जब धमकाया हम लोगों को सर तोड़ देंगे यहाँ नहीं आना, तो हमारे कुछ साथी एकदम जोश में आके, सर संजय भाई चलो इनको दिखाएंगे, सबक सिखाएंगे। तो मुझे तब याद आया वो जेपी के सभा का वाकया, स्टडी सर्कल में जो चल, मैंने कहा अरे ये तो बहुत छोटा मसला है यार, उनका कुछ गलत फहमी हुई होगी, हम उनसे बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और उनको अगर लगता है हमने नहीं आना है, कुछ देर हम नहीं आएंगे, उनसे बात करने के बाद आएंगे, उसमें क्या है। ये समझ एंड युवा पीढ़ी में भी मुझे आई, क्योंकि स्टडी सर्कल में मेरा एक तैयारी हो चुकी थी सेवा दल की, समाजवाद की, समता की, अहिंसा की, इसलिए मैं उसको शांति से ले सका। और बाद में वो साथी बहुत अच्छे मित्र बने हमारे, हमको सब तरह का मदद वो करते थे। जब उनको पता चला कि ये राजनीति में इंटरेस्ट वाले हमारे वार्ड का टिकट काटने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, तो शांत हो गए। बाद में हमने चुनावी राजनीति भी की, उस वार्ड से हमने चुनाव भी लड़ा, खैर। लेकिन वो पहला मसला था जब मैंने जमीन पे इसका इस्तेमाल किया, फिर कई बार किया, कई बार। संजय, आपने जब अपना नाम, जो आपका पारिवारिक नाम था, वो जाति आधारित जो आपका सरनेम था, जब उसको आपने, एक तो वो बताइए कि उसको चेंज करके आपने अपना नाम संजय एमजी क्यों रखा, और इसमें आपको परिवार की तरफ से, माता पिता की तरफ से कोई विरोध का सामना करना पड़ा क्या? क्योंकि मैं जानती हूँ, और मतलब इस पे आप भी बताइए कि ये नाम का जो विषय था, ये कैसे एक किस्म से कास्ट का एक रचनात्मक विरोध था जाति का, और देयरफॉर जाति से जुड़ी हुई जो हिंसा है ऊंच नीच की, उसका एक ये रचनात्मक वो रास्ता था, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। राष्ट्र सेवा दल में ही मुझे मेरी दोस्त मिल गई, जो आगे चलकर अब जिंदगी में साथ में रह रहे, लतिका। तो वो सेवा दल की थी, वो बचपन से सेवा दल में थी। मैं युवा जब था कॉलेज में, तब सेवा दल में आया। वो तो अपने परिवार में भी, उनके माता भी सेवा दल का काम करती थी। तो वो कही मैं शादी करूंगी आपके साथ, लेकिन नाम नहीं चेंज करूंगी, मैं मेरा सरनेम वैसा ही रखूंगी। हमारे घर वाले थोड़े नाराज हो गए। मैंने समझाया, देखो अब ये लव मैरिज है, इंटरकास्ट मैरिज है, मेरी कुछ आप सुन लीजिए वगैरह वगैरह। लोगों ने मान्य किया, घर वाले नाराज थे लेकिन मंजूर। जब वो प्रेग्नेंट रह गई कुछ साल के बाद, तो फिर दिक्कत, अभी सवाल आया कि बेटे को किसका सरनेम लगाने का। तो बोले चलो दोनों का सरनेम लगाएंगे, तो फिर वो, फिर बेटा भी ऐसे ही किसी लड़की से शादी करेंगे तो वो रेलगाड़ी की डब्बा हो जाएगा यार सरनेम का, ऐसे नाम जोड़ते जोड़ते जाएंगे सब लोग। तो उसी दौरान, ये 1984-85 की बात है, उसी दौरान आई केम अक्रॉस ए पीएचडी थीसिस रिटन बाय ए पर्सन इन मुंबई यूनिवर्सिटी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, नॉमेनक्लेचर सिस्टम इन इंडिया। और ये इसलिए आई कि मेरी सेवा दल की साथी सुनीति और विनय गुना के, इन्होंने बस उसी दौरान अपने नाम चेंज किए थे सरनेम निकाल के। तो हमारे ग्रुप में, हमारे संगठन में उसका बहुत बड़ा स्वागत वगैरह नहीं हुआ था। अच्छा ठीक है, किया इस तरह का, क्योंकि तो इस ये बहुत इक्के दुक्के थे हमारे संगठन में भी, सेवा दल में भी, या कहीं पर भी समाजवादी मूवमेंट में, सब लोगों ने अपने सरनेम निकाल दिया, ऐसा नहीं हुआ था। तो लोग कह रहे थे ठीक है आपको लगता है करिए। तो वो पढ़ने के बाद मैंने तय किया कि ये बेस्ट सिस्टम है, क्योंकि उस पीएचडी थीसिस का कंक्लूजन था द मोस्ट रैशनल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेटिंग इज ओन नेम, मदर्स नेम एंड फादर्स नेम, बिकॉज दैट नेवर चेंजेस इन योर लाइफ व्हाट एवर यू मेड। तो हमने अडॉप्ट किया, मेरे पत्नी और मैंने दोनों ने एक साथ एफिडेविट और गैजेट किया, और बस बेटा पैदा ही होने वाला था अस्पताल में, तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट उसी नाम से आ गया, उसके खुद के, साहिल लतिका संजय इस नाम से। वो बर्थ सर्टिफिकेट लेते समय भी बहुत दिक्कतें हुई, वो क्लर्क को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या झंझट है, बोले आपका क्या डाइवोर्स है क्या, ये क्या है। मैं बोला नहीं, हम शादीशुदा है, ऐसे ही हमारा नाम है, और आपको कहा गया वैसा करिए कृपा कर। मेडिकल ऑफिसर तक मुझे जाना पड़ा। ये जब हो रहा था तो घर में बहुत नाराजगी, वंश का नाम आप मिटा रहे हैं, आपकी जान पहचान इस कुल के साथ होती है वगैरह। मेरी सिर्फ माँ बहुत खुश, वो इसलिए कि तब तक 84-85 तक मैं इतना
बन गया था सेवा दल में और सोशल वर्क में, कि इधर उधर कभी कभार टाइम्स ऑफ इंडिया में, महाराष्ट्र टाइम्स में, लोकसत्ता में मेरा किसी कार्यक्रम के वजह से नाम आता था। तो अब मेरा नाम आता था संजय मंगला गोपाल, तो मेरी माँ वो पेपर लेके अपनी सभी सहेलियों को, देखिए ये मेरा बेटा और मेरा नाम भी छप के आया पेपर। माँ बहुत खुश, और ये मेरे लिए नया बोनस था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि माँ का नाम लगाने से माँ को इतना आनंद बाद में मिलेगा, लेकिन इसलिए मैं बहुत आग्रह करता हूँ कि ये संजय MG या संजय मंगो मत कहिए, संजय मंगला गोपाल। आपने देखा होगा मैं कोशिश करता हूँ पूरा नाम जहां संभव है वहां लिखने, क्योंकि माँ का नाम है इसमें, ये नहीं समझ में आता है MG से। तो ये हुआ, और जब मेरा बेटा स्कूल में जाने लगा, साहिल लतिका संजय, तो उनको लगा कि साहिल ये सरनेम है, लतिका और संजय, तो साहिल लतिका संजय, तो लोगों को लगता कि लतिका कोई लड़की आएगी, और ये लड़का आता तो लोग हंसने लगते थे, क्या तुम्हारा नाम है आला। तो वो भी, उससे भी मैंने बातें शुरू करनी बेटे बेटे से 5वीं 6वीं साल में उसके, कि आपको स्कूल में लोग पूछेंगे। और हुआ, फिर मेरी जो बहू आई, उसने सिर्फ मेरा बेटा नहीं पसंद किया, ये पूरा नॉमेनक्लेचर सिस्टम हमारी पास, उसने भी शादी के बाद अपेक्षा चंद्रिका चंदू भाई ये नाम लगाना शुरू। तो मेरी पोती का नाम स्वाभाविकता से साशा अपेक्षा साहिल बन गया, और तब तक अब ऐसे नाम लगाने वाले बहुत है। और जब मैं पीछे देखता हूँ तो जिस JP का नाम हम लेते हैं उन्होंने क्या किया, जयप्रकाश नारायण सरनेम निकाल दिया था, राज नारायण, चंद्रशेखर, उत्तर प्रदेश बिहार के कितने सारे समाजवादी नेता है जिन्होंने वहां की जाति परंपरा तोड़ने के लिए सरनेम निकाल दिए थे। तो हम कोई पहले नहीं है, ये बहुत पहले से शुरू हुआ था, महाराष्ट्र में शायद देरी से आया होगा, और अभी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बहुत खूब। तो संजय, अब यहाँ से अगर हम थोड़ा आगे चलें, नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो दौर चला, जिसमें आप एक साथी और एक वॉलंटियर और एक सपोर्टिव एक्टिविस्ट के रूप में आप बहुत एक्टिव रहे, तो उस आंदोलन के दौरान ये जो नारा है, हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा, इसको कायम करने में और कायम रखने में कोई दिक्कतें आई? क्योंकि हम लोगों ने सुना है कि जो लोग हिंसा के पक्ष में रहते हैं उनका आंदोलन पे हमेशा एक दबाव तो नहीं कहना चाहिए, पर एक वो खटखटाते रहते थे दरवाजा, कि ये आंदोलन अगर हिंसा की तरफ चला जाए तो ये ज्यादा कुछ हासिल कर पाएगा। तो थोड़ा उस दौर में, नर्मदा बचाओ आंदोलन के दौर में, हिंसा और अहिंसा के बीच में क्या तनाव या तालमेल रहा? बचाओ आंदोलन की एक खासियत ये रही है, यानी आज उसको एक लीडर के नाम से पहचाना जाता है, क्योंकि लेकिन शुरू के दिनों में जब मैं वहां था तो जितना मेधा बहन वहां सक्रिय थी, उतने ही वहां श्रीपाद थे, आलोक था, गांव के कई सारे, रघुनाथ काका, कमलू दीदी, कई सारे साथी एकदम लीडरशिप रोल में रहते थे, और सभी निर्णय समूह में बैठकर करने का वहां पर प्रघात था। कभी भी मेधा ने कहा या और किसी नेता ने कहा और उसको अमल में लाना, इस तरह का कारोबार कभी भी नहीं रहा नर्मदा बचाओ। ये बहुत मेरे लिए सीखने की बात है। और मैं जब नर्मदा बचाओ आंदोलन में गया पहली बार, तो टिपिकल सोशलिस्ट लीडर्स इन महाराष्ट्र वेर नॉट सपोर्टिंग नर्मदा बचाओ आंदोलन इन इट्स इनिशियल स्टेज। आई वॉज अलाउड टू गो टू नर्मदा वैली एज एन ऑब्जर्वर, नॉट सपोर्टर, कि आप जाके देख के आएंगे और फिर आने के बाद हम उस पर बहस करेंगे और फिर तय करेंगे कि अपना संगठन इसको समर्थन करेगा कि नहीं। इतना सब था, तो मैं तो गया था शुरू में तो ऑब्जर्वर के नाते, लेकिन वो 15 दिन में ऑब्जर्वर की कब मैंने निकाल डाली शाल और कब मैं कार्यकर्ता वहां का बन गया वही पता नहीं चला। और मैं तय किया कि मैं समझा पाऊंगा मेरे साथियों को कि समर्थन क्यों करना चाहिए। लौटने के बाद तब हमने समता आंदोलन बनाया था, राष्ट्र सेवा दल से अलग होकर, मोहम्मद खड़स, खातू भाई, सब लोग थे उसमें। तो उसमें हमने चर्चा की और बहुत स्पष्टता के साथ नर्मदा बचाओ आंदोलन का समर्थन किया। तो वहां ये बात थी, सब लोग मिलकर निर्णय करते थे, और उस निर्णय की कड़ी वाले जो भी नेता थे, कार्यकर्ता थे, प्रमुख साथी थे, क्योंकि उनको नेता कहने से भी वो गुस्सा करते, प्रमुख साथी थे,
आज भी मेधा का पहचान एनएपीएम की नेता या नर्मदा की नेता ऐसा नहीं होता है, प्रमुख कार्यकर्ता। तो ये जो साथी थे उनमें कभी भी हिंसा का प्रस्ताव या हिंसक आंदोलन का प्रस्ताव कभी भी मुझे मैंने सुना। तो जिसको आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी और मींस के बारे में एकदम क्लैरिटी सफाई, ये उस ग्रुप में था। लेकिन जब हम गांव में जाते थे, एक्चुअल फील्ड में जाते थे, तो कभी कभार सत्याग्रह करते समय, रैली निकालते समय, मोर्चा निकालते समय पुलिस एकदम सामने आ गई, भिड़ंत हो गए, ऐसा होता है। और ऐसे मामलों में भी मैंने देखा कि वहां पर मेधा बहन हो या अन्य कोई साथी कार्यकर्ता वहां पर फ्रंट पे हो, वो तुरंत साथियों को जेपी ने जिस भाषा में पटना में कहा होगा उसी नीति को अलग किसी भाषा में वहां की लोकल लैंग्वेज में समझाते थे और लोग मान जाते थे। तो इसलिए कभी यानी वो एक ऐसा इस तरह का एक युवाओं का या इवन महिलाओं का ऐसा एक स्ट्रांग तेवर, कई बार पुल झपट जिस तरह का हम कहते हैं, ऐसा ऐसे मौके कई बार नर्मदा के आंदोलन में आए। फेरकुआ की रैली आपको याद होगी, रस्ते पर बाबा अमटे फिर उसमें थे, रस्ते पर से हाथ जोड़कर, वो याद है आपको? तो वो जो, और मैं सेवादल में साने गुरु जी की सीख तो सीख रहे थे, हम ये प्रार्थना कह रहे थे, खरा तो एक ची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे, इसका मतलब इंसान का सही धर्म एक ही है कि पूरे दुनिया से प्यार करो, ये साने गुरु जी का प्रार्थना है। और उसमें सब, और ये साने गुरु जी को आप ईसा मसीह देखिए, कोई भी संत महात्मा देखिए, समाज सुधारक देखिए, प्यार के ऊपर उनका बहुत बहुत एम्फसिस रहा है। और हम क्रांतिकारी, हमको ऐसा लगता था कि झगड़ा करना है या संघर्ष करना है, तो संघर्ष भी करना है तो प्यार से करो, ये जबरदस्त वहां पर सीखती। मैं नर्मदा से आगे एक मिसाल दूंगा, इस पर बाद में भूल जाऊंगा, इसलिए एनएपीएम जब बना 1996 में, नर्मदा की कोख से ही एनएपीएम बना है, नर्मदा ने ही उसका अगुवाई की नर्मदा आंदोलन ने। संजय एक मिनट, एनएपीएम का पूरा नाम हिंदी में बोल दो। या नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे मछुआरों का आंदोलन था, आदिवासियों के आंदोलन थे, किसानों के आंदोलन थे, दलितों के आंदोलन, महिलाओं, इन सभी आंदोलनकारियों को एक जगह लाकर हमने ये जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय बनाया, जिसमें गांधीवादी सिद्धराज डड्डा, ठाकुरदास बंग, अमरनाथ भाई ऐसे लोग थे, किशन पटनायक, भाई वैद्य जैसे समाजवादी नेता थे, और मेधा पाटकर और टॉम कोचेरी और इस तरह के जन आंदोलनकारी नेता थे, इन सबने मिलकर ये एक ओम प्रकाश रावल जी थे समाजवादी गांधीवादी मध्य, इन सब ने मिलकर जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय बनाया। तो उसमें पहला आंदोलन एनरॉन विरोधी था, और एनरॉन के विरोध में जब हम कोंकण में गए, सत्याग्रह घोषित किया, राष्ट्रीय नेशनल सत्याग्रह था, और देश भर के लोग हर दिन एक एक का टाइम टेबल बनाया था, आज केरल के 100 लोग सत्याग्रह करेंगे, कल बिहार के 50 लोग सत्याग्रह करेंगे, इस तरह का वो था, वहां पर मैं था 1.5-2 महीने। तो उस सत्याग्रह में हम लोगों ने सत्याग्रहियों के हाथ में गुलाब का फूल दिया था, और जब सत्याग्रह करना है तो पुलिस जो सामने आएगी लाठी लेके, उन सबको गुलाब का फूल दिया, और फिर हमने नारेबाजी शुरू की कि एनरॉन हटाओ देश बचाओ, एनरॉन चले जाओ, फिर उन्होंने जबरदस्ती करके हमको वैन में दिया, जेल में भेजा। लेकिन ये हर बार यानी इस तरह के कुछ प्रतीक हमने चुने कि संघर्ष भी करना है तो जो सामने खड़ा है उससे कोई वैर या दुश्मनी नहीं है, प्यार से करना है। एक एनरॉन के ही मामले में रात को हमारी मीटिंगें चलती थी, पुलिस के एलआईबी के लोग बाहर घूमते रहते थे, इंस्पेक्टर तो कभी कभार सीधा मीटिंग गेट के अंदर आ जाता था, तो ऐसे में हमारी चर्चा हम करते थे, गुप्त चर्चा, स्ट्रेटेजिकल चर्चा। तो वो कहते थे कि ताई आप सिर्फ बता दीजिए, आप बोलेंगी तो एक रात में ये जो बना है एनरॉन का जितना भी फैक्ट्री उसको एक रात में उड़ा सकते हैं, आप बस हमको आदेश दीजिए। तो ताई उनको समझाती थी पूरा कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं करना चाहते, ये जो खंबे वहां बने हैं या वहां पर जो फेंसिंग बना है, वह यहाँ जो भी काम चल रहा है, वो हमको हमारा जो आग्रह है वो सत्ताधारियों को कबूल करवाते हुए रोकना है, हमको उसमें अपने बल को अपने हाथ में लेकर नहीं करना है। और ये अगर हम करना चाहेंगे उसमें दो खामियां रहेगी, उसमें वहां पर अमरनाथ भाई सभी लोग समझाते थे लोगों को कि एक
हम ऐसा करेंगे तो हमारी जो सत्याग्रह की परिभाषा है उससे हम हट जाते हैं, फिर हमारे में और अन्य हमारे ऊपर दमन करने वालों में कोई फर्क नहीं रहेगा, ये एक उनकी भूमिका थी। और दूसरा वो कहते थे चलो एक बार मानते हैं आपका, तो भी किसके पास ज्यादा ताकत है, हिंसा पे अगर हम उतर भी आते हैं तो हिंसा की ज्यादा क्षमता किसके पास है, स्टेट पावर के पास है। आप कितना भी हिंसा कीजिए उससे ज्यादा हिंसा वो कर सकते हैं, आप जितना उनका नुकसान करेंगे उससे कई गुना बार आपका नुकसान वो कर सकते हैं, और इसमें हम क्या हासिल करेंगे, हमारे साथ जो लोग हैं वो कैसे हमारे साथ रहेंगे। या महिलाओं की साझेदारी, वो गांधी जी के आंदोलन का उदाहरण हमको दिया करते थे, गांधी का आंदोलन तो हमने देखा नहीं, आजादी का हम तो पैदा नहीं हुए थे, वो उदाहरण अमरनाथ भाई हमको दिया करते थे कि देखो महिलाओं की जो साझेदारी है, महिलाओं का जो सहभाग है आंदोलन में, उसका जो एक प्रभाव अंग्रेजों पे उस समय पड़ा होगा उसी तरह का प्रभाव हमको। तो मेधा का भी ये आग्रह रहा, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो, एनरॉन विरोधी संघर्ष हो, आज भी जहां भी लड़ाइयां चलती है, महिलाओं की भागीदारी और महिलाओं का नेतृत्व और महिलाओं की अगुवाई, जिससे एक अहिंसा की एक बात को और पक्का बन जाता। ये इस सब के दौरान संजय आप ये सब करते हुए, ये राजनीतिक कार्यकर्ता का काम निभाते हुए आप एक टीचर भी रहे और VJTI में मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप पढ़ाते रहे, फाइनली आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने। तो वो जो लाइफ रही आपकी, उसमें ये पिछले 25-30 सालों में जिन स्टूडेंट्स के साथ आपका रोज वर्किंग लाइफ बीतती थी, उनमें आपको क्या शिफ्ट दिखे? क्योंकि ये इसी 25-30 साल में ऐसा लगता है कई बार कि भाई भारत में हिंसा का ज्यादा एक एक्सेप्टेंस बना और कम से कम उसको ज्यादा टॉलरेंस, मतलब ज्यादा लोग हिंसा को जस्टिफाई करने वाले माहौल में पहुंच गए। तो आपकी स्टूडेंट बॉडी में आपको क्या माहौल या शिफ्ट फील हुआ ये 25-30 साल में? मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में की और लोगों को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ाता था, और उसको पढ़ाते पढ़ाते समझ में आया कि दादा ये जो इंजीनियरिंग है वो तो दुनिया को सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रसाद देती है, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रसाद देती है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब का नींव उसमें वहां पढ़ा, और मैंने फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से डाइवर्स होके मैंने एनर्जी, एनवायरमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस दिशा में VJTI में प्रवास किया। ये मैंने इसलिए बताया आपको कि VJTI के जो लड़के, वो जनरली IITs में जिनको एडमिशन नहीं मिला है उसके बाद नेक्स्ट वॉज VJTI, तो उनमें ज्यादा पॉलिटिकल समझदारी या ज्यादा पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन की बात या स्टूडेंट पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, उस तरह का ज्यादा VJTI में माहौल कभी नहीं था, आज भी नहीं है। वो ज्यादा अपने करियर में और उसके इर्द गिर्द में, जो भी सोशल वर्क करना है, जो भी आर्ट करनी है, जो भी कल्चरल एक्टिविटीज करनी, उसके इर्द गिर्द। तो उसमें जब मैंने रिन्यूएबल एनर्जी की बात या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात या वो विषय 1991 में, मैंने एक आम लेक्चरर था VJTI में, लेकिन मेरे आग्रह से मैंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी को कन्विंस किया कि अब हमको रिन्यूएबल एनर्जी, ये एक अलग कोर्स हमको शुरू करना चाहिए इंजीनियरिंग में, IITs में आ चुका है, एंड आई इंट्रोड्यूस दैट कोर्स इन बॉम्बे यूनिवर्सिटी। तो वो जब बातें मैं बच्चों से करता था, उस समय कोई ज्यादा लड़के नहीं आते थे उस कोर्स के लिए, तो मैं बच्चों से बात करता था, और उसमें ये पृथ्वी के साथ हो रही हिंसा है एक तरह से, यानी हिंसा यानी सिर्फ खून खराबा नहीं है, हिंसा यानी जिस निसर्ग में आप जीते हो, जिस पृथ्वी के आधार पर आपका पूरा परिवार, आपका पूरा रहन सहन, ये पूरी जो विश्व पैदा हुआ है वो बेसिकली इट इज ऑन दी अर्थ। तो वो अर्थ को क्या हम कर रहे हैं हमारे डेवलपमेंट से, ये जब मैं बातें करता था, और ये पूरी सीख मुझे नर्मदा आंदोलन और जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय में जो बहसें होती थी वहां पर, या बंबई में उस समय हम बगाराम तुलपुरी जी के, तुलपुले जी के शागिर्द के, तो टेक्नोलॉजी, बगाराम खुद इंजीनियर, तो मेरे से बहुत मेरी बातें हुआ करती थी, और बाद में बगाराम जी को हमने थाना में उच्च तंत्र और विकास यानी डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, इस पर लोहिया व्याख्यान माला में बगाराम जी ने वो व्याख्यान दिए, उसकी पुस्तिका हमने प्रकाशित की,
और मेरे पूरे चक्षु खुल गए, यानी बी तक का जो मेरा, एमी तक जो मैं पढ़ा था उसमें ये सब चीजें कहीं भी नहीं थी। आपको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे रिसर्च करना है, ये हमको सिखाया था। लेकिन ये करते समय हमको पृथ्वी का ध्यान रखना है, ये कहीं भी कोई भी आता होगा कहीं पर, लेकिन हम अक्सर उसको बच्चे ऑप्शन में डालते थे, एक हाथ छोटा क्वेश्चन आता होगा उसका, बाद में मैंने देखा वो था लेकिन उसका कोई अहम नहीं। तो ये कोर्सेज जब हमने शुरू किए तो ये सब बातें विजेटे में शुरू हुई। और फिर जब हम हमारे तरीके से जीते हैं, हमारा जो ये विषमता मूलक प्रवास है वो भी एक तरह से हिंसा है, जो समाज की जो आम जनता है उसके हक उछल के हम ये हासिल कर रहे हैं। ये जब बातें मेरी होती थी बच्चों के साथ तो अहिंसा का एक अलग अर्थ मैं उनमें डालता था, ऐसा मुझे लगता है, और वो भी उसको स्वीकार करते थे। और उसी वजह से उस दरमियान विजेटीआई के मेरे कई सारे स्टूडेंट राष्ट्र सेवा दल में, समता आंदोलन में ज्वाइन हुए, और आज भी वो मूवमेंट में है कहीं ना कहीं। तो वो एक हुआ हासिल। आज भी कुछ लोग हम मूवमेंट में ज्वाइन नहीं हुए, लेकिन वो जहां भी है वो आज भी मुझे बताते, सर आपने जो वो सिखाया था ना स्कूल के बाहर, या मैं जनरली, मेरा अगर 50 मिनट का लेक्चर है तो मैं 45 मिनट विषय सिखाता था, 5 मिनट जनरल डिस्कशन बच्चों के साथ करता था। 1999 की शायद बात है कि जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सिएटल में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही थी, और उस समय ये विषय कि कैसे अभी का जो ट्रेड, विश्व का जो ट्रेड रेजीम है, मतलब जो ट्रेड के तरीके हैं और जो उत्पादन के तरीके हैं वो कैसे हिंसक हैं और हमें उन्हें बदलना है, इन आवाजों को का जो विरोध का प्रदर्शन हुआ सिएटल में, जिसके कारण पूरी WTO की मीटिंग करीब करीब रद्द हो गई उस समय, आप वहां मौजूद थे। और मुझे याद है कि उसमें भी बहुत जम के मेहनत हुई थी कि अहिंसक तरीके से वो प्रदर्शन हो। तो थोड़ा उस अनुभव के बारे में बताइए, अगर आपका कुछ विशेष उसमें टिप्पणी हो, कि कैसे एक तो एक तरफ मेहनत हुई वहां कि अहिंसक विरोध हो, लेकिन हिंसा भी हुई कुछ प्रोटेस्टर्स के द्वारा। तो थोड़ा उस अनुभव को हम के बारे में बताइए इस दृष्टिकोण से। In 1996, NAPM was formed, and around that time only किशन जी, मेधा जी, ये सब लोग गए थे PGA, People's Global Action, ऐसा एक मंच बना जिसमें नंजुंडी स्वामी थे मुख्यतः भारत के, और उन्होंने NAPM का जिक्र किया कि इन लोगों को बुलाइए, और NAPM में काफी चर्चा हुई और सभी ने कहा कि ये वैश्विक जो जागतिकीकरण है, वैश्वीकरण है, उसकी जो कुप्रभाव समाज पे हो रहे हैं उसके खिलाफ एक जागतिक अगर आंदोलन खड़ा रहा है तो हमने उसमें जाना चाहिए। और उसमें हिस्सेदारी किशन जी और ये सब नेता लोग करते थे। 98 में जब तक आया, तब मैं पहली बार फिनलैंड गया और तब मुझे मेरा पासपोर्ट बना। तब तक मैंने पासपोर्ट नहीं बनाया था, कभी विदेश जाना ये दिमाग में भी नहीं था, तो पासपोर्ट बना और मैंने फिनलैंड गया था। तो 99 में ये जो एंटी WTO रैली हुई तो PGA ने कहा कि भारत से तो हमें चाहिए, और मेधा, टॉम, सभी लोग किसी न किसी वजह से बिजी थे, तो उन्होंने कहा संजय आप जा सकते हो क्योंकि अंग्रेजी में वहां बात करनी पड़ेगी, आप प्रोफेसर है अंग्रेजी में। तो इस तरह से मेरा चुनाव हुआ कि आपके पास पासपोर्ट भी रेडी है, चलिए। और विजेटिया से छुट्टी लेकर मैं गया, और 1.5 महीना मैं US में था। और ये खामियां थी, खूबी थी, अब हम अक्टूबर महीने में बात कर रहे हैं, अभी 30th नवंबर शट डाउन WTO, 30th नवंबर को WTO की मीटिंग शुरू होने वाली, तो 28 अक्टूबर से 1 महीना पहले पीपल्स कैरावान वॉज स्टार्टेड फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क टू सिएटल। 1.5 month वी ट्रेवल्ड इन अ बस, एंड वी स्पोक एट वेरियस यूनिवर्सिटीज एन रूट, वी स्पोक एट वेरियस चर्चेस, पब्लिक मीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, रेडियो इंटरव्यू, क्या क्या नहीं किया, बस में ही सब हमारा सफर चलता था। और पूरे 1.5 महीना किसी भी होटल में हम नहीं रहे US में, हर घर में शाम को जहां भी आखिरी मीटिंग होगी, जहां पड़ाव है वहां पर, वहां जो रजनी बख्शी रहती थी वो कहती है दो साथी मेरे घर आइए, वहां पर जो विजया बहन रहती थी वो कहती है आप मेरे दोस्त मेरे घर आ जाइए। इस तरह से लोगों के, वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं के घर हम रहे, सुबह जाकर वो हमको
पहुंचा देते थे बस के ऊपर, बस से फिर यात्रा सब। अगले जो मीटिंग के अंत में जो पॉटलक होता था, लंच डिनर, उसमें जो बचा है वो बस पे चढ़ा जाता था, तो दूसरे दिन का लंच हमारा होगा। इस तरह से कहीं भी होटल में एकदम इकोनॉमिक तरीके से हमारी वो यात्रा रही अमेरिका में। और हम सब जगह मैसेज क्या दे रहे थे, 30 नवंबर को आपको सियाटल आना है, 30 चलो सियाटल, पूरे अमरीकी जनता को आह्वान। उस दौरान मैं जब सियाटल एक हफ्ता पहले पहुंचा तो जाते ही मुझे बताया गया कि आपको सभी जगह पर पैनल में रहना है। आई वॉज सरप्राइज, वैसे मैं एनएपी में भी नया था और ना कोई अनुभव नहीं था अंतरराष्ट्रीय। बोले यू हैव कम फ्रॉम इंडिया, यू हैव कम फ्रॉम गांधीज लैंड, एंड इन ऑल द डिस्कशन हेंस फोर्थ इन लास्ट 8 डेज बिफोर 30th नवंबर जो भी चर्चाएं सियाटल में होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होगी, वहां पर ये गांधी का मैसेज आपको रखना है, बिकॉज यू बिलोंग टू गांधीज लैंड, सो यू आर ऑथराइज टू से दैट, एंड एनएपीएम बिलीव्स इन दिस। उन्होंने सब पढ़ा था एनएपीएम के पद, हर जगह पर मुझे 90 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स, आपको मालूम है यूएस और यूरोप में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई पैनल में बोलना है तो दे यूज टू गिव अलॉट अस सेकेंड्स, अगर ज्यादा अच्छा मौका मिले तो मिनट्स मिलते थे। तो उसमें अपनी बात रखनी है कि हम क्यों अहिंसात्मक तरीके से यह आंदोलन करना चाहते हैं, ये सब जगह था और उनका आग्रह था। लेकिन जितना ये आग्रह था उतना ही एक बड़ा हिस्सा था आंदोलनकारियों में जो इस आग्रह को नामंजूर कर, उनको वहां पर अनार्किस्ट कहा जाता था, और उनका सिंबल था सर्कल में ए। कहीं पर वॉल में आपको सर्कल में ए दिखेगा तो ये लोग है, इनके ये इनके नारे हैं। और आंदोलन का जो शट डाउन WTO का जो नारा था, उसमें जो 5 नॉन निगोशियेबल्स थे उसमें अहिंसा, हम अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करेंगे, ये पूरा नॉन निगोशियेबल, और हर जगह पर मुझे उसको रखने की जिम्मेदारी। तो 30 नवंबर को जितने भी चौराहे थे सियाटल के, जितने भी चौराहे हैं जहां से दुनिया भर के प्रमुख राष्ट्रों के और उनके अधिकारी कॉन्फ्रेंस सेंटर में जाने वाले हैं, उन सभी चौराहों के ऊपर 29 नवंबर के रात से कहीं 1,000, कहीं 2,000, कहीं 3,000 लोग पहुंच गए, और हर जगह पर वो चौराहा पूरा सील बाय ह्यूमन वॉल्स, नो brick, no stone, nothing, by human wall. There were different techniques used to, एक व्यक्ति भी नहीं आपको पास कर सके शांतिपूर्ण तरीके से। एक जगह पर मैं बताता हूं रजनी, जो पाइप रहते, पाइप पाइपलाइन, वो पाइप दिए थे और मेरा हाथ एक पाइप के अंदर उस, और मेरे बगल वाले का पाइप के अंदर हाथ, और हमने अंदर हाथ पकड़ के रखा, तो पुलिस आएगी कि हमको अलग ही नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर पाइप है, वो पाइप को आप तोड़ेंगे कैसे, आप क्या करोगे, और हम तो आराम से खड़े रहेंगे, और हमारे पीछे एक व्यक्ति गीला हैंडकरचीफ लेके कि अगर अश्रुधूर जिसको हम कहते हैं वो टियर गैस अगर पुलिस इस्तेमाल करती है तो हमारे दोनों हाथ पाइप के अंदर है तो हम अपने आंखों को कैसे, तो वो व्यक्ति हमारे पीछे का एक हाथ से अपने आंखों को बचाएगी, एक हाथ से हमारे, इतना पूरा तैयारी। अहिंसात्मक आंदोलन इसका मतलब क्या है और उसकी तैयारी कितनी करनी पड़ती है, एक अनोखा दर्शन मुझे सियाटल में उस 8 दिनों में हुआ। हमारा पूरा स्टडी सर्कल, सेशंस विद द लॉयर्स, इफ यू आर अरेस्टेड व्हाट आर योर डेमोक्रेटिक राइट्स इन यूएस एज अ विजिटर टू यूएस, व्हाट यू शुड से, व्हाट यू शुड नॉट से, बिकॉज यू आर नॉन वायलेंट एजिटेटर हियर, सो यू हैव टू बी ओनली थ्रू योर राइट्स यू हैव टू स्पीक टू द पुलिस, और आपके पास बहुत सारे राइट है, आप घबराइए नहीं। इस तरह का पूरा ट्रेनिंग ये कंपल्सरी था 8 दिन पहले, इसलिए हमको पहुंचना था वहां। Amazing, amazing. It was a lifetime experience for me. और वो 30 तारीख की सुबह हुई और जिस ये सब चौराहे पैक थे और एक दूसरा पूरा जो सेट था उसको शहर के दूसरे चौराहे एंड के ऊपर हम इकट्ठा हुए और वहां से बहुत बड़ी रैली निकली। ये सब हुआ सियाटल में अहिंसात्मक तरीके से। लेकिन उसी दिन जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शोरूम या ऑफिसेस सियाटल में थे वहां पर ये अनार्किस्ट लोग पहुंचे, जैसे हम लोग चौराहे पे पहुंचे और पाइपलाइन में हाथ डट कर खड़े थे, ये लोग ये सब उनका प्लानिंग अलग से चल रहा था, वो लोग ऐसे जगह पर पहुंचे और उसको पूरा तहस नहस कर दिया इन लोगों ने पूरा। और प्रेस में फिर दूसरे दिन वही आया, मेधा का वहां फोन आया मुझे अमरीका में कि संजय क्या हो रहा है वहां पर, मैंने उसको बताया क्या है,
कि मुख्य आंदोलनकारियों ने कहीं भी हिंसा नहीं की है, और ये भी जो अनार्किस्ट हिंसा कर रहे थे उनका कहना था, रजनी हिंसा की एक नई डेफिनेशन वहां पर ये अनार्किस्टों ने भी की, उन्होंने कहा अगर हमने ब्लडशेड किया तो हिंसा, हम ब्लडशेड नहीं करेंगे, इनके जो सिंबल्स है सियाटल में उनको हम सिर्फ तहस नहस कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, हम ब्लड नहीं गिरा रहे हैं, तो हमारा भी ये आंदोलन अहिंसक है, इस तरह का उन्होंने अपना बयान दिया। हमने लेकिन कहा कि ये इस तरह का हमारे आंदोलन में नहीं था। मेधा ने भी इंडिया से वही बयान दोहराया और वो बहुत दिनों तक चर्चा में रहा। लेकिन हमारा ये और एक जो स्ट्रेटेजिकल इश्यू है इसमें कि जब आप हिंसा में उतर आते हैं तो प्रेस को और व्यवस्था को वो हिंसा की छोटी बात के तरफ उंगली उठाना आसान रहता है, और आपके पूरे किए कर्म पर, इतना जो अहिंसात्मक तरीके से लाखों लोग सियाटल के रास्ते पर उतर आए थे उस पर वो डाइवर्ट हो गया, ये जरूर होता है। बिल्कुल, ये फिर उसके कुछ सालों बाद संजय आपने आगे जाकर पीएचडी की, और उसके कारण पूरा अभी का जो विश्व में जो ये क्लाइमेट क्राइसिस चल रहा है जिसको अब लोग क्लाइमेट केओस भी कहने लग गए हैं, उस वो एक किस्म की जो हमने पृथ्वी के ऊपर जो हमारी पर्यावरण पे जो हमारे ह्यूमन सिस्टम्स ने जो हिंसा की है ये उसका नतीजा है। तो अब इन क्लोजिंग आपको कैसे दिखता है, अब आप यू आर रिटायर्ड एज अ टीचर बट यू आर एन अथॉरिटी ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, यू हैव सीन, आपने बहुत करीबी से जैसे अभी आपने बताया अहिंसक तरीकों को आपने आजमाया है, उनके रास्ते पे आप चले हैं, तो ये अगले 10-20 साल आपको कैसे दिख रहे हैं, मतलब क्या उम्मीद लगती है आपको कि क्या ओपनिंग्स हैं जिन पर आज का यंग पर्सन कुछ करने की वो मतलब उम्मीद रख सकता है, क्योंकि जिस ढांचे के खिलाफ वो सिएटल में विरोध हुआ था वो WTO बेशक कमजोर हुआ हो लेकिन वो जो अर्थव्यवस्था है वो तो नहीं हिली। बहुत ही बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये, और मैं ठाणे में 25-30 साल से, या अमेरिका में पीएचडी किया वगैरह ठीक है, WTO सीआईटी ठाणे में 25-30 साल में बस्तियों में काम करता हूँ बच्चों के साथ, और जहां पर व्यसन, ड्रग्स, लीकर के घर में होने वाले परिणाम माँ के ऊपर और अपने शिक्षा के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, ये सब झेलने वाले युवा पीढ़ी के साथ मैं काम करता हूँ पिछले 25 साल से, और उनको ये सब जो मैं दुनिया भर में सीख के आ रहा हूँ वो वहां पर मेरे साथियों के साथ, उनके साथ जो रिश्ता मेरा बना है, मुझे इस पर फक्र है कि ये बच्चों में ये जो समता की, समाजवाद की और अहिंसा की बात है वो पहुंचाना, ये हमारा एक महत्व का काम है, क्योंकि आखिर फ्यूचर किसके हाथ में है। ज्यादातर बच्चे जो ये बस्तियों में रह रहे वही है युवा, जो आज परसेंटेज ऑफ यूथ इज बिग इन इंडिया, ऐसा इंटरनेशनली हम कहते, लेकिन वो यूथ रहते कहाँ पर है, ये बस्तियों में रहते, और बस्ती का माहौल क्या है, गुंडागर्दी, चरस, गांजा और दारू और महिलाओं का पीड़न, और बच्चों के पढ़ाई के तरफ अभी ध्यान दिया जा रहा है लेकिन डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टाइल लगा के, वो क्या पढ़ रहा है कैसे, ये सब जो है हालात उसको अगर बदलना है तो हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और आने वाले दिनों में ये मेहनत करने के लिए युवा पीढ़ी तैयार है ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप अगर युवा पीढ़ी से संवाद करोगे, युवा पीढ़ी से बात करोगे उनके भाषा में, आप उनको तात्विक आइडियोलॉजिकल बहसों में लगाने से नहीं होगा, उनकी भाषा में बात करोगे तो वो समझते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, और वो, लेकिन उनका सवाल यह है कि सर हम जिएंगे कैसे, तो जीने के लिए उनको जो आधार चाहिए, बस पिछले हफ्ते ही हमने महाराष्ट्र नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड MKCL के जो विवेक सावंत है उनका एक स्टडी सर्कल पिछले हफ्ते हमने रखा था, और यही हमने सवाल उनसे पूछा था कि भविष्य की युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है सर, आप क्या देखते हैं, और वो जो चर्चा हुई उसके कुछ अंश मैं यहाँ पेश करना चाहता हूँ उनकी अनुमति से।
उन्होंने कहा कि आज की जो व्यवस्था है आर्थिक व्यवस्था, उस व्यवस्था में आसार बिल्कुल नहीं है, आधार बिल्कुल नहीं है कि ये पूरा जो व्यवस्था समाज है उसको समाधान और संतुष्टि के साथ पूरे समाज को जीने का मौका मिलेगा, ये बिल्कुल आधार नहीं है। ये पूरी व्यवस्था कोशिश कर रही है कि इस देश के जो भी दबे कुचले दलित पीड़ित गरीब तबके हैं वो इस व्यवस्था से हट जाए। रजनी, जिस तरीके से माइग्रेंट लेबर्स के साथ यहाँ की व्यवस्था ने बर्ताव किया, वो बिल्कुल एक क्लियर इंडिकेशन था ड्यूरिंग द पैंडेमिक ऑल्सो कि हमें इनके बारे में कोई कोई जरा सी भी रत्तल भर भी कोई प्रेम नहीं है, माया नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है। वो अपने जीप जो करना है करिए, और अभी भी उनको लौट पीछे वापस भी हवाई जहाज से वर्कर्स को लाया जा रहा है, ऐसा अखबार में आ रहा है आले। वो किस लिए? इनके जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रुके हुए वहां पर मजदूरी करने के लिए उनको ये लोग चाहिए। उनकी जिंदगी एक खुशहाली बने ये उसका बाय प्रोडक्ट है, बने तो बने लेकिन वो उनका आग्रह नहीं है। ये बहुत पीड़ा करने वाली चीज है, और इसलिए ये व्यवस्था में वो मिलने वाला नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन ही आवश्यक है, लेकिन जो रिटोरिक सोशलिज्म है या ऑर्थोडॉक्स सोशलिज्म या कम्युनिज्म है उसमें भी इसके उत्तर मिलने वाले नहीं है। तो पर्याय चाहिए, और पर्याय का बहुत अच्छा विश्लेषण विवेक सावंत जी ने किया। पर्याय यानी वैकल्पिक का मराठी अर्थ पर्याय, पर्या मतलब पर्यावरण और यथा य मतलब यथा पर्यावरण। पर्याय रोजगार, पर्याय समाज जो पर्यावरण संवादी समाज की होगा, और उसके बहुत सारे आयाम आज उपलब्ध है। तंत्र ज्ञान का इस्तेमाल करके भी उसके आयाम पॉसिबल है। इवन वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जॉबलेस ग्रोथ, ये सब चीजें आप जानती है। इन सब चीजों का सामना हम कैसे बॉटम अप तरीके से कर सकते हैं, उसके कई सारे आसार आज है, वो हमको बहुत कड़ाई से अपनाने पड़ेंगे। मेरे पीएचडी के थीसिस में भी मैंने यही कहा था कि क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस कन्वेंशन, COP19, COP20, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, अर्थ सम्मेलन, क्या नहीं हुए, कितने कितने एग्रीमेंट साइन किए हैं लोगों ने, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये एग्रीमेंट साइन करते हैं और वहां से जब हवाई जहाज अड्डे पर आते हैं अपने देश आने के लिए तो उसका कोई अमल नहीं करना है, ये तय करके ही वो राज्य प्रमुख वापस आ जाते हैं। तो ऐसे में बॉटम अप ही प्रेशर जरूरी है, और वो धीरे धीरे भारत में पैदा होगा, और उस तरह की रचनात्मक पहल, संघर्षशील जमातों को भी एक रचनात्मक पहल करनी होगी। साने गुरुजी राष्ट्रीय स्मारक में जो रचनात्मक पहल होती है, सेवा दल के कई प्रवृत्तियों में जो रचनात्मक पहल है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के जीवन शालाओं में जो रचनात्मक पहल है, इस तरह की रचनात्मक पहल के तरफ अभी हमको गंभीरता से ध्यान देना पड़ेगा। और बच्चों को इस पर्यायी व्यवस्था में कैसे रोजगार मिलेगा, कैसी आजीविका मिलेगी और विकास भी संभव होगा, इस तरह का एक मॉडल हमको अपने तरीके से खड़ा पड़ेगा। हमको लगता था कि इसका एक राजनीतिक जवाब कब मिलेगा मालूम नहीं, वो जरूरी है, लेकिन जनता का जवाब हमको खड़ा करना है। संजय, समापन के तौर पर आप में एक बड़ी खूबी हमेशा रही है कि आपने अपनी व्यक्तिगत जीवन की जो ऊर्जा है, आपका जो मानस है, चित्त मानस है, वो उसको आप हमेशा बड़ा पॉजिटिव और खुशहाल रखते हैं, और मुझे लगता है आजकल नौजवानों के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो जो नौजवान अहिंसा के रास्ते पे चलना चाहते हैं, उनको आप अपनी लाइफ से क्या 2-3 ऐसे टिप्स दीजिए कि भाई आप कैसे अपनी इनर एनर्जी जो है, जो आपके अंदर की ऊर्जा है, उसको कैसे हमेशा कायम रखने का। एक जिक्र करता हूं, मैं जब पीएचडी के लिए अमेरिका में गया था, सेंटर फॉर एनर्जी एंड एनवायरमेंटल पॉलिसी, और वहाँ के जो डायरेक्टर आप जानती है जेबी जॉन बर्न, वो भी इसी तरह के एक कूल माइंडेड लेकिन बहुत डिटर्मिनिस्टिक एंड बहुत ही ठोस समझदारी के साथ एक लक्ष्य हासिल करने में लगे हुए इंसान है। वहां पर दुनिया भर के मेरे सहाध्यायी थे, दुनिया भर के लोग मेरे साथ पढ़ाई करने आते थे, क्योंकि वो सिप का, हमारे सेंटर का वो गोल था कि हर प्रखंड से एक, हर
कॉन्टिनेंट से एक छात्र रहेगा। तो ये सभी छात्र मेरे पास आया करते थे जब टेंशन आता था। पीएचडी इज अ जर्नी विच यूज टू गिव यू लॉट ऑफ टेंशन, बिकॉज यू आर ट्रेवलिंग थ्रू अ टनेल और लाइट कब मिलेगा मालूम नहीं, और हर एक का टनेल अलग अलग। तो ऐसे भी मैं शांति से काम करता था, तो वो मेरे पास आते थे, आप इतना शांत कैसे रह सकते हो? और मैं उनको बताता कि आप, मैं शांत रह सकता हूँ, आप भी रह सकते हैं। पहला ये ध्यान में रखो, हमको यहाँ से पीएचडी करके जाना है ये भूल जाओ। मिली ती मिली, नहीं मिली तो भी चलेगा। यहाँ जो ज्ञान मिल रहा है, यहाँ जो एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल रहा है, यहाँ गलतियां करने का जो अवसर ये भी हमको दे रहा है, हमको जो अलग अलग तरह से इसको भिड़ने की पूरी छूट ये जो अमरीकी विश्वविद्यालय में मिल रही है, कोई बंधन नहीं है, ये एंजॉय करो यार, ये कहीं नहीं मिलने वाला है, आपके घर में जाने के बाद भी नहीं मिलने वाला, बीबी भी आपको नहीं देने वाली है। तो लोग शांत तो होते, क्योंकि मैं मानता हूँ सेवा दल से मुझे सीख जो मिली है कि मेरे से जो अच्छे व्यवस्था में है, ज्यादा धनवान है, महलों में रहते हैं, बहुत इसको क्या रिच इसको कहा जाता है, इस तरह की लाइफ जीते हैं, वो मेरे कभी आदर्श नहीं रहे, वो मेरे दोस्त रहे। उनसे मैंने बहुत सीखा कि ऐसे में भी कैसे समाजवादी परिभाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है, लाइफ जीजा। लेकिन मेरा सही, ऑल द टाइम माय अटेंशन यूज्ड टू बी इन द बस्तीज और इन द ट्राइबल कम्युनिटीज और नर्मदा घाटी के लोगों। मैं जब भी घाटी में जाता हूँ, उल्का के यहाँ आदिवासी पाड़े में जाता हूँ, लोगों को मैं कहता हूँ, मुझे भाषण करने को कहते हैं, चलो कोई समर्थक आए भाषण करो, मैं कहता हूँ यहाँ मैं भाषण करने के लिए आया हूँ, तो आपसे बात करने के लिए आया हूँ, आप मेरे जनरेटर हो, आज मैं यहाँ आया हूँ तो मेरा ऊर्जा बढ़ेगी आपको देख के कि आप कैसे जुझारू तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, इतनी कठिनाइयों के बावजूद। एक मैं उदाहरण देता हूँ, मैंने विजेटीआई का कैंप तारा में लगवाया था, यूसुफ मेरली सेंटर में, बच्चों को लेके जाता था मैं वहां पर। तारा में जो टेक्नोलॉजी है, तेल कैसे निकाला जाता है, सोप कैसे बनाया जाता है, ये मैं बच्चों को दिखा। तो मेरी एक को टीचर थी, शी केम विद मी बिकॉज वी हैड सम गर्ल्स, सो वन लेडी टीचर हैज टू बी देयर, सो शी इन अ वे केम एज अ कंपल्सरी। वो बोल रहे थे, संजय देखो सर मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, 5 दिन का कैंप था तारा में, और उस दिन जो बस्ती में हम गए थे वहां पर खाना था, तारा के सेंटर में नहीं था पहले, तो वो बहुत भड़क गई थी, खाने में लेट हो गया, ये हो गया। रात को जब हम सब बैठे, खाना खा के आया, तारा में आके हॉल में बैठे, तब बातें की, तो फिर वो बच्चों ने कहा हमको कि सर जो आदिवासी कम्युनिटी ने आज हमको खाना खिलाया, उनको हमारे 60-70 लोगों को खाना खिलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत जगह से अन्न धान्य पैदा जुटा के हमारी टेस्ट का खाना बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए खाना लेट हुआ। वो अंग्रेजी पढ़ाने वाली टीचर थी, ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में, वो आके रोई मेरे पास, सर मैंने आपसे बहुत गलत कहा कि ये क्यों लेट हो रहा है खाने में, ये क्या डिसिप्लिन है कि नहीं इन लोगों को। तो ये डिसिप्लिन, व्यवहार, तरीके रहने के, ये सब सीखने को मेरे कम्युनिटी से मिले हैं। और मैं, मेरे साथ जितने भी लोग हैं उनको यही बताता हूँ कि मेरे से मत सीखो कुछ, मेरे जैसे कम्युनिटी में जाना शुरू करो। हमारे थाना में कंपल्सरी है कि आप अगर संगठन में काम करते हो तो बस्ती के कम से कम 5 घरों को हर साल आपको विजिट करना है, खाली दोस्ती नहीं करनी, उनके घर में जाके आइए, वो देख के आइए वो कैसे पानी भरती है, क्यों वो लड़की को लेट हो जाता है, क्योंकि सर मीटिंग के टाइम में अचानक 3 दिन के बाद पानी आया, तो माँ ने कहा मीटिंग मीटिंग नहीं, और आप चिल्ला रही हो मीटिंग में आई नहीं, लेट हो रही है, व्हाट इज दिस, डिसिप्लिन है कि नहीं, ये आपको समझ में आता है जब आप। तो मुझे लगता है कि ये जब आप समझेंगे ना, जो गांधी जी का था लास्ट पर्सन वो लाइन में, वो मेरे ऊपर प्रभाव है शायद, वहां पर नजर रखिए तो आप अपने आप खुश मिजाज रहते हो, आराम से रहते हो, कोई जिंदगी में टेंशन नहीं, टेंशन लेने से काम नहीं बनता है, टेंशन देने से भी काम नहीं बनता है, आप समझ लीजिए बात, और मेरे क्षमता में उसमें से क्या है वो पूरा ताकत लगा के करो, आप बिल्कुल थकते नहीं, आप न मन से थकते हैं, न शरीर से थकते हैं, ना आपकी ऊर्जा कम। जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद।